क्यूरियस फेलोज, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीपीआई से एक दिन पहले की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जैसा कि आप अगर कल की लाइव स्ट्रीम में आए थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कल की लाइव स्ट्रीम को मिस कर गए थे तो वहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें लाइव एक्सप्लेन की थी कि कैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट लंदन लोज को इंगेज करे और प्रीवियस न्यूयॉर्क सेल साइड लिक्विडिटी पे आए जो कि राउंड अबाउट इस कॉर्नर पर पड़ी हुई है, तो मार्केट कैसे डिस्प्लेस हुई, ये सारी चीज़ें ही मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टॉप प्रायोरिटी पे आपको रिसीव हो जाए। एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क लोकल टाइम, आपका टाइम ट्रेडिंग व्यू का एटलीस्ट UTC-4 न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देखें तो मार्केट ने इक्वल हाइज रन किए थे 8 o'clock पे, ये सारे इक्वल हाइज। इधर मैंने ऑरेंज कलर से एक फेयर वैल्यू गैप था, बीसी बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी जिसको हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं दिस वन। इसके ऊपर अब मैं अपने माउस को मूव कर बैक इन बिजनेस, अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ चार्ट को, लेट्स मूव डीप इन टू द चार्ट। ये वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट का ऑरेंज में, और ये येलो वाला जो जहाँ पे लिखा हुआ है बेटर टू स्टे ओपन, इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये वो फेयर वैल्यू गैप था 850 के आसपास, 847 के आसपास बीसी, इसके नीचे कैंडल की बॉडीज क्लोज हुई। अब ये पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया सेल्स के लिए, मार्केट परफेक्टली इसमें आई। आप जाके कल की न्यूयॉर्क सेशन की XAU USD न्यूयॉर्क सेशन लाइव ट्रेड के नाम से मेरी यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम को वॉच कर सकते हैं। मैं हर 1 मिनट की कैंडल को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, स्पेशली ऑन दिस कैंडल मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल में ये डूडा स्विंग है और मार्केट सिर्फ इस हाई को इंगेज किया और रन ऑन स्टॉप्स किया, और मैं चाहता हूँ कि इस वीक के 50% से नीचे नीचे कैंडल की बॉडीज रहें 9 o'clock की वीक के। परफेक्टली मार्केट विक्स के 50% से नीचे रही और देन ग्रेविटेड लोअर किया, अगेन इसने 906 पे एक स्पाइक दी लेकिन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के लोअर पोर्शन से रिजेक्ट हुई। ऑन दिस कैंडल आई वाज सेइंग कि मैं चाहता हूँ कि ये 15 मिनट के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो और इस फेयर वैल्यू गैप को ओपन छोड़े, देन सेम थिंग गोज ऑन। इस स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं चाहता था कि यहाँ माइनर बाय साइड लिक्विडिटी दें जिनको मार्केट इंगेज करे और फिर सेल ऑफ हो, बट ऐसा नहीं हो सका और लाइव स्ट्रीम मैंने यहाँ पे करके क्लोज की थी ऑलमोस्ट आई रिमेंबर 942 पे। देन मार्केट डिड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, देन फिर ये 2 black lines में अगेन 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने देखें 10 और 9 की कैंडल पे स्पेशली कैसे रिएक्शन आया, वॉच दैट रिएक्शन। इट एग्जैक्टली इसके लोअर पोर्शन से रिजेक्ट किया और देन ये फेयर वैल्यू गैप था, ये आपका मॉडल 2022 है सिल्वर बुलेट, अगेन दैट वॉज अ सिल्वर बुलेट, दैट वॉज एन ऑल्सो सिल्वर बुलेट। ये 4 hour के बीसी में मार्केट मल्टीपल टाइम ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी, अगर आप 1 hour के चार्ट में आओ तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी क्लियर कट। यहाँ पे भी मंडे को, फिर अगेन इसने फ्राइडे को, और फिर कल लंदन सेशन में इसने 3 times ऑलरेडी इस 4 hour के फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर लिया था। पर्सनली मैं चाहता था कि मार्केट इस 4 hour के फेयर वैल्यू गैप से नीचे ग्रेविटेट करे, एंड इट हैपन राइट अवे। लंदन लोज को लेने के बाद अगेन इमीडिएट रिबैलेंस किया, क्लासिकली सेल हुई, लंदन लोज को इंगेज किया जो ओल्ड पड़े हुए थे, और साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ बिट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन दी और इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया अगेन। बट 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप एक दफ़ा आएँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट अभी भी 4 hour के बीसी के ऊपर है, यहाँ पे इसने सेल साइड लिक्विडिटी को इंड्यूस किया, इसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। सो मेरे ख्याल में आज क्योंकि NFP से एक दिन पहले, CPI से एक दिन पहले का दिन है, आज इंटरेस्ट नहीं होगा मार्केट में। मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि मार्केट बाय या सेल नहीं जा सकती, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मार्केट आज इस हाई
8 o'clock का जो येस्टरडे का हाई है इसको इंगेज करें, और 11:45 के लो इनके इन बिटवीन साउंड करें, ज़्यादा बिग मूवमेंट ना दें, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। टुमारो सीपीआई है फ्राइडे को, सो आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन सीपीआई, सिंपल लाइक दैट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरी ब्रेक अवे गैप की वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं या लाइव स्ट्रीम को, तो मैं उसको आपके राइट साइड पे पेस्ट कर दूंगा एंड स्क्रीन पे। और अगर आप वॉच करना चाहते हैं मेरी मेंटोरशिप 2024 की प्लेलिस्ट, तो उसको मैं आपके लेफ्ट हैंड पे एंड स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सपोर्ट करें। और अगर आप मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि आपको सिखा सकता हूँ और आप सीखने के काबिल हैं, तो एब्सोल्युटली आप मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इस वीडियो के स्टार्ट में, इंट्रो में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।